नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोडेलवो में। आज हम लोग 18th डे का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं। हमने 17th डे का ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लिया है। हमने टोटल इस ट्यूटोरियल में, इस सीरीज में 17 डेज कवर कर लिए हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, उसका मैं पोस्ट डाला था, मैंने फेसबुक पर भी डाला था, तो मैं यहाँ पे वही रिपीट नहीं करने वाला हूँ। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ये है कि हम लोग जो कार्ड पेज बनाए थे उसमें हर एक एलिमेंट पर या हर एक कार्ड पे जब आप क्लिक करते हो तो उसका डिटेल पेज बनाना है। ठीक है, तो ये डिटेल पेज है। यहाँ पर क्या है, एक बटन है जो बैक में जाने के लिए है, यहाँ पर लीडिंग आइकन बटन है, यहाँ पर लाइक्स है, अगर आप कोई प्रोडक्ट लाइक करते हो यहाँ से तो उसके काउंट पढ़ेंगे, यहाँ पे कार्ट है, आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे, ये बैज है, ये एक पैकेज होता है बैच करके जो कि फ्लटर पे है, पब डॉट डेब पे है, वहाँ से यूज किया है मैंने, तो ये काउंट इंक्रीमेंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये प्रोडक्ट का नेम है, ये प्राइस है, और ये प्राइस एक्चुअली प्राइस टैग लिखा हुआ है, और ये प्राइस है, और ये वो प्रोडक्ट है, और ये जो कलर पीछे का आ रहा है वो प्रोडक्ट के ही कलर से आ रहा है। यहाँ पर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे कलर है, कलर में 3 कलर है, जो पहला कलर है वो सिलेक्टेड कलर है और वो प्रोडक्ट का ही कलर होगा। उसके बाद साइज है, ये सो हमारा जो भी चीज़ें आ रही हैं ये सारी जेसॉन से आ रही हैं। ये डिस्क्रिप्शन है, ये भी जेसॉन से आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे प्रोडक्ट का सिलेक्शन का पार्ट है, जिसे आप इंक्रीमेंट कर सकते हो और डिक्रीमेंट कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो क्वांटिटी को, ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, ये प्रोडक्ट को आप लाइक करना चाहते हो तो लाइक कर सकते हो, यहाँ से लाइक करोगे तो ये काउंटर बैच काउंटर बढ़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे नोटिस करोगे तो कार्ट बटन है और एक बगल में बाय नाउ बटन है। तो इस पेज को हम लोग डिजाइन करने वाले हैं। देखते हैं आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ये एक दिन में तो ये सारा नहीं हो पाएगा और मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को ऐसा बोर ना फील होने लगे कि बहुत ही लंबा वीडियो खींच गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे हेडर से, जो ऐप बार है वही पहले बनाएंगे आज, और देखते हैं कि हम लोग कितना कवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ है जो आज हम करने वाले हैं। मैंने प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट ओपन है मेरा, और जो हमने लास्ट 17th डे पे किया था वो ये किया था कि इस पर जब हम क्लिक कर रहे थे तो यहाँ पर नेम आ रहा था, ग्रे येलो जैकेट, मतलब ये हमारा जो भी प्रोडक्ट था उसका नेम आ रहा था ब्लैक, यहाँ पे डार्क ब्लू, तो ये चीज़ हो गई थी हमारी। तो अब हम थोड़ा सा सेटअप करेंगे। पहला सेटअप क्या करेंगे कि पहले हम आज डे 17 है, डे 18 ब्रांच बनाएंगे, तो डे 18 में कर देता हूँ क्रिएट न्यू ब्रांच, ये मैं कर देता हूँ, ब्रांच क्रिएट हो गया। दूसरी चीज़ क्या बचती है कि हमने प्रोडक्ट डिटेल को डायरेक्ट कंपोनेंट में डाल दिया था, मैं कंपोनेंट में नहीं डालूंगा, जो कार्ट वाला फोल्डर है इसके अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा और नाम दूंगा प्रोडक्ट डिटेल्स, और इसके अंदर मैं पूरे प्रोडक्ट डिटेल की, इस फोल्डर के अंदर हम प्रोडक्ट डिटेल का सारा क्लास या जो भी चीजें लगेंगी कंपोनेंट वो यहाँ पे डालेंगे। तो मैं मूव कर देता हूँ, ये मूव हो गया और इसको हम बंद कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट डिटेल्स का एक फोल्डर बन गया है जिसके अंदर ये सारी चीजें करेंगे। ठीक है, और ये हो गया, अपने आप सारी चीजें कवर हो गई। अब मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा राइट शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब मैं बाकी सबको बंद करता हूँ, क्लोज अदर्स, यही फाइल ओपन करके रखूँगा, इसको सेव कर दिया मैंने। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ हमें क्या बनानी है, ये ऐप बार बनानी है हमें। ठीक है, SVG इमेजेस मेरे पास हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये ऐड टू कार्ट, और ये तो बटन है, बैक है, एक हमें बैक लगेगा और बैग लगेगा और हार्ट लगेगा, ये 3 चीज़ें लगेंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमको प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, स्कैफोल्ड के अंदर एक हम पास करेंगे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में हमारे पास प्रोडक्ट में ऑलरेडी कलर है, प्रोडक्ट डॉट कलर, तो ये पास करेंगे, बट ये डायरेक्ट नहीं पास कर सकते, यहाँ पे कलर, और ये हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो इंटीजर डॉट पास करके प्रोडक्ट डॉट कलर में करूँगा, और हम चलते हैं किसी कलर पे, ग्रीन वाला सेलेक्ट करते हैं। अब आप देखो ये पूरा स्कैफोल्ड आ गया इस कलर में। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब क्या करते हैं, ये बॉडी है, बॉडी में
सेंटर टैग मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, पहले अपना ऐप बार डिजाइन करते हैं। तो ऐप बार इतना तो ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐप बार में बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, और बैकग्राउंड कलर हम क्या दे सकते हैं, इस बैकग्राउंड कलर की ज़रूरत आई थिंक नहीं है, हम ऐप बार में ही सेट करते हैं। इसको मैं निकाल देता हूँ अभी के लिए, निकाल देता हूँ, अगर लगेगा आगे तो मैं यही यूज कर लूँगा, और इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर यही बैकग्राउंड कलर देते हैं। ठीक है, तो केवल ऐप बार पे आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, और हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर हो गया, हम एलिवेशन दे सकते हैं, जो कि अभी बाय डिफॉल्ट एलिवेशन है इस पर कुछ, तो मैं इसको अगर ऐसे दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। इसको मैं ओपन कर देता हूँ और ऐसा करता हूँ, तो आप देख सकते हो लाइन सी बन रही है, यहाँ एक लाइन सी बन रही है, तो उसको अगर मैं एलिवेशन 0 कर दूंगा तो ये लाइन हट जाएगी। अब ये बराबर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लीडिंग में हमें बैक बटन लेना है, वैसे ऑलरेडी बैक बटन रहता है यहाँ पे, बट मैं अपना कस्टमाइज जो कि बैक बटन है वो लगाऊंगा। तो लीडिंग में हम क्या करेंगे, काम करते हैं, आइकन बटन लेते हैं, आइकन बटन लेते हैं लीडिंग में, और ऑन प्रेस पे हम लोग कुछ करा देंगे। और आइकन में अभी के लिए मेरे पास है SVG पिक्चर डॉट एसेट, और कॉपी कर लेते हैं यहाँ से बैक, बैक का कॉपी रिलेटिव पाथ, स्लैसेस चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये आ गया। भी थोड़ा सा ग्रेस सा कलर है इसका, तो इसका हम क्या करते हैं, कलर कलर डॉट व्हाइट ले लेते हैं, ठीक है। मैं बाहर दे देता हूँ, दे दिया हूँ, मैं क्या करता हूँ इसके अंदर देते हैं इमेज के, ठीक है, व्हाइट हो गए। अब एक काम और कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं करते हैं क्योंकि इसमें और काफ़ी चीज़ें ऐड करनी है। मैं इस पूरे ऐप बार को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ मेथड को, और नाम दे देते हैं बिल्ड ऐप बार, ये आ गया, बिल्ड ऐप बार आ गया। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, खैर कोई डिफरेंस नहीं है, बट हम लोग यहीं पे करेंगे इसको। इसके ऑन प्रेस पे हम क्या करेंगे, गेट, हम पैकेज यूज ही कर रहे हैं, तो गेट डॉट बैक कर लेंगे, या बस पीछे चले जाओ, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब एक बार देख लें, ठीक है, डन है। अब क्या करते हैं, आ जाते हैं अपनी इमेज पर, देखते हैं, अब हम ये इमेज बनाएंगे और ये वाला इमेज लगाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, इसके बाहर एक्शन, ठीक है, तो एक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं SVG पिक्चर डॉट एसेट, जैसे अभी हमने ऊपर किया था, और इस चीज को निकाल के यहाँ से हम एक तो हट ले लेते हैं, कॉपी रिलेटिव पाथ कर लेते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, और एक दूसरी चीज हमें चाहिए हट के साथ, कार्ट सॉरी बैग वन डॉट SVG बैग वन, देखते हैं ये दोनों बन के आया है, ये बैग बहुत बड़ा सा बन के आ रहा है, सॉरी बैग वन नहीं लेना था, एक्चुअली हमको चाहिए था कार्ट ही चाहिए था, बैग वन गलत मैंने लिख दिया, कार्ट चाहिए, ठीक है। अभी दोनों बहुत पास पास आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम पैडिंग ले सकते हैं, तो इसको हम रैप कर सकते हैं पैडिंग से, पैडिंग, ठीक है, पैडिंग ले लिया, और ये भी हम पैडिंग के अंदर ही डाल देते हैं, नहीं बाहर ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं, कॉन्स्टेंट हटा देते हैं, एज इंसेक्ट डॉट ओनली ले लेते हैं, और लेफ्ट से पैडिंग दे देते हैं, हमारे पास है माई थीम में डिफॉल्ट पैडिंग, और सिमिलरली राइट में भी माई थीम डॉट
पैड। तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया लेफ्ट में। अब क्या कर लेते हैं, इसको भी हम पैडिंग दे देते हैं और यही चीज कॉपी कर देते हैं पैडिंग में। आ गया, दोनों थोड़ा सा लेफ्ट हो गया। और क्या करते हैं, ये जो पहला वाला है इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये छोटा सा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम विड्थ पास कर सकते हैं 30 की, थोड़ा सा बड़ा हो गया। और इसको आप चाहें तो इतना ही बड़ा यूज कर सकते हैं, इसको भी बड़ा कर सकते हैं। मैं तो अभी इतना ही यूज करने वाला हूँ इसको। अब क्या करना है, मैं अगर डिजाइन पर चलूँ तो आप देखो ये आ रहा है। ठीक है, तो ये जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था पहले कि ये बैच के थ्रू आता है, मैंने ओपन करके रखा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये पैकेज है, बैजेस नाम है, बैजेस 2.0.2, याको डॉट आईओ ने प्रोवाइड किया है ये, तो ये हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ऐसे बैच बन जाते हैं, आप जैसा भी चाहो स्टाइलिंग कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं अपने पब स्पेक में, और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट पी, ऐड अपडेट डिपेंडेंसी और पेस्ट, इंटर करेंगे, देखेंगे हुआ कि नहीं, आ गया है। और कंट्रोल एस करोगे तो आप ये डाउनलोड हो जाएगा, ये डाउनलोड हो रहा है अभी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो एसवीजी पिक्चर है इसको हम रैप कर देते हैं पहले एक विजेट से, और फिर इसको हम नाम देते हैं बैजेस। ठीक, ये हो गया। अब आप यहाँ पे देखो छोटा सा रेड सा बन के आ रहा है। ठीक है, और सिमिलरली मैं इसको भी कर देता हूँ रैप विथ विजिट, और इसको चेंज कर देता हूँ बैजेस में। यहाँ पे भी छोटा सा रेड आइकन बन के आ गया है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें प्रॉपर्टी होती है बैजेस के अंदर, एक प्रॉपर्टी होती है बैच काउंट, कलर होती है, बैच कंटेंट होता है। तो हम कंटेंट उठा लेते हैं अभी, और फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्या दे सकता हूँ, बैच कंटेंट विजिट है तो मैं टेक्स्ट टाइप का दे सकता हूँ, और इसमें मैं दे सकता हूँ 0। ये आप देख रहे हो यहाँ पर 0 आ गया। और सिमिलरली सेम चीज़ यहाँ से उठा के मैं कॉपी कर देता हूँ अपने दूसरे वाले बैच में भी यहाँ पर 0 हो गया दोनों। ये बाद में हम गेटेक्स के थ्रू अपडेट करेंगे, जब यूजर लाइक करेगा या ऐड टू कार्ट करेगा तब। अभी के लिए मैं बस 0 सेट कर दिया हूँ। और एक प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा देता हूँ, कलर भी है, सॉरी कलर, बैच कलर। तो ये क्या लेता है, दोबारा चेक कर लेते हैं, कलर टाइप का लेता है। तो कलर्स डॉट देखते हैं क्या ले सकता है, ब्लू, ब्लू हो गया। तो आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हो, जैसा चाहिए वैसा कलर दे सकते हो, बट मैं रेड कलर ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर का ऐप बार कंप्लीट हो गया, ये हमने ऐप बार कंप्लीट कर लिया। तो अब हम क्या करते हैं, अब बढ़ते हैं अपने अगले डिजाइन पर, और हमारा अगला डिजाइन ये होने वाला है कि हमें नीचे का कंटेनर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये कंटेनर बनाने के लिए चलिए हम शुरू करते हैं कोडिंग करना। तो पहली चीज हम क्या करेंगे, ये जो बॉडी है, बॉडी में मैं इसको हटा दूंगा, और यहाँ पर मैं लूंगा कॉलम, कॉलम में आएगा चिल्ड्रेन। ठीक है, और ये चीज मैं रैप कर दूंगा विजेट से, और इसका नाम हम देंगे सिंगल चाइल्ड स्क्रोल। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, चिल्ड्रेन के अंदर हम लोग लेने वाले हैं साइज्ड बॉक्स, और साइज्ड बॉक्स में हम सेट करेंगे हाइट कितनी, साइज, एक्चुअली हाइट के लिए हमें साइज लगेगा, साइज साइज, और ये हमें मिल जाएगा मीडिया क्वेरी से, ऑफ मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ, और हम पास करेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज, ये चीज यहाँ से मिल जाएगी हमें। अब हम क्या करेंगे, हाइट इसको पास कर देंगे साइज डॉट हाइट, ये हो गया। अब साइज बॉक्स में हमें क्या चाहिए, चाइल्ड लेंगे, और चाइल्ड में हमें चाहिए स्टैक, स्टैक में चिल्ड्रेन। अब क्या करेंगे हम, स्टैक में चिल्ड्रेन आता है, और चिल्ड्रेन में हम देंगे पहला कंटेनर,
कंटेनर, और इसको हम हाइट दे देते हैं, हाइट साइज डॉट हाइट, इसका 70% दे देते हैं। ठीक है, अब इसको हम डेकोरेट करते हैं ताकि हमारा कंटेनर दिखना स्टार्ट हो जाए। बॉक्स डेकोरेशन और कलर, कलर्स डॉट वाइट, ठीक है, और यहाँ पर कॉमा रहेगा। ये बन गया। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर सेट करते हैं, कुछ पैडिंग मार्जिन देके नीचे सेट करते हैं। तो मार्जिन लेते हैं कंटेनर में मार्जिन, और मार्जिन क्या होगा, एज इंसेक्ट डॉट ओनली, और मार्जिन हम टॉप में लेंगे। टॉप में हम ले लेते हैं साइज डॉट हाइट इंटू 0.3, 30% मार्जिन देते हैं ऊपर से। तो ये नीचे सेट हो गया। ठीक है, अब ये नीचे सेट हो गया तो हम क्या करेंगे, अब डेकोरेशन में हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस लेंगे, नॉट बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस। एंड बॉर्डर रेडियस हमारा जो होगा वो ये होगा कि बॉर्डर रेडियस डॉट ओनली, और इसके अंदर रेडियस, सॉरी, इसके अंदर टॉप लेफ्ट, अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं तो यहाँ पर देखो ये वाला टॉप लेफ्ट और टॉप राइट। तो हम क्या करेंगे, टॉप लेफ्ट रेडियस डॉट सर्कुलर, रेडियस की स्पेलिंग गलत हो गई, रेडियस डॉट सर्कुलर, और हम दे देते हैं 40। ये आ गया। अब क्या करते हैं, हम सिमिलरली अप्लाई करते हैं टॉप राइट पे। तो यही चीज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर बस कर देते हैं टॉप राइट। ये चीज़ बन गई, इसको कांस्टेंट करना पड़ेगा। ये चीज़ बन गई, मैच कर लेते हैं इमेज से, ये चीज़ बन गई। ओके, डन है। अब हम क्या करते हैं, ये जो क्लास है, सॉरी, बॉडी पर जो भी सिंगल चाइल्ड स्कूल व्यू है, इसको हम अलग निकाल लेते हैं, एक क्लास बना लेते हैं। सॉरी, रैप नहीं करना था मुझे, एक्सट्रैक्ट करना है इस विजिट को, तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, और इसको हम नाम देंगे प्रोडक्ट डिटेल्स बॉडी। ठीक है, यहाँ पर आ गया, इसको कॉपी कर देते हैं, यहाँ पर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और प्रोडक्ट डिटेल है ये फोल्डर मेरा, यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट, और इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स बॉडी डॉट डार्ट, और यहाँ पर हम पहली लाइन इंपोर्ट मटेरियल, और उसके बाद पेस्ट कर देंगे। हमें एक चीज़ और चाहिए यहाँ पर, साइज। ठीक है, साइज की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, मैं साइज यहाँ से निकाल लूँगा। साइज साइज इक्वल टू मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज, ये मैं निकाल लूँगा, और यहाँ से साइज मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पर जो चाहिए होगा वो ये चाहिए होगा, फाइनल प्रोडक्ट मॉडल टाइप का मुझे प्रोडक्ट चाहिए वहाँ से। तो इसको हम कंस्ट्रक्टर में ऐड कर लेते हैं, और इसको मिनिमाइज करते हैं, इधर चलते हैं, और यहाँ पर हमको कॉल करना है। अब इम्पोर्ट हो गया, अब क्या करेंगे, साइज हटा देंगे, और हमें चाहिए प्रोडक्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट है ऑलरेडी, तो ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, प्रोडक्ट मिल जाएगा वहाँ पर। ये बंद कर देता हूँ, प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब पहली चीज़ हम क्या करेंगे, कॉलम लेंगे जिसमें ये टाइटल और ये प्राइस आएगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉलम लेते हैं, स्टैक के अंदर एक लेते हैं कॉलम, और कॉलम में बनाते हैं चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन में हम क्या करेंगे, पहली चीज़ हम लेंगे चिल्ड्रेन में टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हम क्या देंगे, प्रोडक्ट, हमारे पास प्रोडक्ट है डॉट नेम। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट नेम लेंगे, यहाँ पर आ गया ब्लू ग्रीन, आप देख सकते हो।
अब क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइल थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट हेडलाइन फोर डॉट कॉपी विथ, हम अपना कलर पास कर देते हैं। कलर हम लेंगे कलर डॉट ब्लैक, ठीक है, और फॉन्ट वेट भी ले लेते हैं, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, और देखते हैं क्या है। ओके ठीक है, तो हेडलाइन फोर के आगे हम लगाएंगे और ये हो गया ब्लू ग्रीन, ठीक है। इमेज में देखते हैं वाइट है, तो हम कलर ब्लैक नहीं लेते हैं, वाइट ही कर देते हैं। डन, वाइट हो गया। अब क्या करते हैं, ये चिपका हुआ है यहाँ पर, तो इसको हम पैडिंग देते हैं। तो पैडिंग के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉलम को हम रैप कर देंगे पैडिंग, और पैडिंग हम देंगे, यहाँ हटा देते हैं कॉन्स्ट्रक्ट सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक के अंदर हॉरिजॉन्टल पैडिंग ले लेते हैं। हमारे पास है माई थीम डॉट डिफॉल्ट पैडिंग, ये 20 है वैल्यू एक्चुअली, तो ये राइट शिफ्ट हो गया, ठीक है। इतना इतना हो गया। अब क्या कर लेते हैं, हम आगे का काम करने से पहले इसको भी अलग क्लास बना लेते हैं, जितना हो सके उतना ब्रेक कर देते हैं ताकि दिक्कत ना पड़े हमें। एक्सटेंड विजिट करते हैं और इसका हम नाम देते हैं, इसका नाम क्या दिया जाए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल्स, इमेज एंड इंटर वैलिड विजिट नेम, इमेज टाइटल प्राइस, ये मैंने नाम दे दिया इसका, ठीक है। प्रोडक्ट ये अपने आप ही सेंड कर दिया प्रोडक्ट टाइप का। अब ये क्लास कॉपी कर लेता हूँ कट करके, और चलते हैं अपने कंपोनेंट में और इसको बनाते हैं फाइल, प्रोडक्ट जो नाम उधर दिया है, डिटेल्स, इमेज, टाइटल, प्राइस, डॉट डार्ट, इंपोर्ट, मटेरियल और पेस्ट। प्रोडक्ट मॉडल आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो हिंट आएगा, आप क्लिक करोगे तो हो जाएगा। सिमिलरली माई थीम के लिए यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर भी इंपोर्ट नहीं इसलिए आ रहा है, तो मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा और ये हिंट आएगा और मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये चीज़ हो गई, इससे अभी तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं, अगर आप देख सकते हो तो ब्लू ग्रीन दिख रहा है अभी भी। तो ये हमारा क्लास अलग हो गया, अब चलिए इस क्लास में काम करते हैं। तो ये चीज़ हमारी हो गई, ये आ गई, अब बचता है हमारे पास प्राइस एंड इमेज, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास अगर आप मैं दिखाऊं तो ये एक रो ले सकते हैं, ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक रो में आ जाएंगी, प्राइस और इमेज। तो इसके लिए मैं एक रो लूँगा यहाँ पर इस वाले चिल्ड्रेन में, यहाँ पर रो, और रो में चिल्ड्रेन होता है आपको पता है, और पहला चीज़ टेक्स्ट लेंगे, और टेक्स्ट में हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, प्राइस मिल जाएगा, और डॉट टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा क्योंकि वो इंटीजर है। तो ये चीज़ हो गई हमारी, देखते हैं यहाँ पर आया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर हम एक साइज बॉक्स ले लेते हैं ताकि थोड़ा मैं स्पेस दे सकूँ, और हाइट में साइज बॉक्स में मैं क्या करता हूँ, माई थीम डॉट डिफॉल्ट पैडिंग का 50% दे देते हैं, मतलब 10 दे देते हैं एक्चुअली, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो ये राइट शिफ्ट हो गया है थोड़ा सा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जो कॉलम है इसका क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट कर देंगे ताकि ये राइट ना शिफ्ट हो, लेफ्ट में ही रहे। तो ये हो गया, स्टार्ट कर दिया हमने। अब आ जाते हैं अपने रो पे, और ये हमने ले लिया प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर ये प्राइस भी दिखाना है, और ये तो इसको, अब इसको दिखाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, रिच टेक्स्ट लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, रिच टेक्स्ट, और रिच टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट के अंदर हम देंगे टेक्स्ट स्पैन, टेक्स्ट स्पैन, ठीक है, इसके अंदर चिल्ड्रेन।
अब यहाँ पर हम जितना चाहे उतना टेक्स्ट स्पैन पास कर सकते हैं। तो टेक्स्ट स्पैन, और पहले में हम पास करेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट हमारा होगा प्राइस, और उसके बाद न्यू लाइन पास कर देंगे ताकि वो नए लाइन पे जा सके। ठीक है, ये चीज हो गई, प्राइस आ गया। अब क्या करते हैं, एक और टेक्स्ट स्पैन लेते हैं, पहले मैं कॉमा लगा देता हूँ ताकि कोड थोड़ा फॉर्मेट हो जाए। यहाँ पर एक और टेक्स्ट स्पैन, सॉरी टेक्स्ट स्पैन, और इसके अंदर टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट डॉट प्राइस डॉट टू स्ट्रिंग। डन हो गया, ये आ गया दोनों। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको करते हैं स्टाइलिंग, स्टाइल, और स्टाइल में टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पर कलर, और कलर्स डॉट कलर्स डॉट ब्लैक। और स्टाइल पे कुछ एरर आ रहा है क्योंकि मैंने कॉमा नहीं लगाया है, ब्लैक हो गया। और ठीक है, तो क्या करता हूँ, थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट हेडलाइन 5 लेता हूँ, एंड डॉट कॉपी विथ कलर कलर्स डॉट ब्लैक फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ठीक है, देखते हैं, यहाँ पर हेडलाइन 5 को मैं कर देता हूँ, क्या होता है, अब ठीक लग रहा है। यहाँ पर इसको भी थोड़ा मैं साइज बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट साइज, और इसको दे देते हैं 12, और 12 से ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ा, 20, हाँ ठीक है। और इसको फिर हम हेडलाइन 4 यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आइए देखते हैं इमेज में, ये इमेज लगाते हैं। ठीक है, फिर आगे हम सेट करते हैं सब कुछ। तो इमेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो रिच टेक्स्ट आ रहा है रो में है, इसके बाद हम एक साइज बॉक्स लेते हैं, साइज बॉक्स, और यहाँ पर हम विड्थ लेंगे। ठीक है, साइज बॉक्स के अंदर विड्थ लेंगे, विड्थ में माई थीम डॉट डिफॉल्ट पैडिंग, और जो भी है उसका मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, तो 20 है तो 40 कर देंगे। और इसके बाद हम लेंगे अपना इमेज। ठीक है, इमेज के लिए हम क्या करेंगे, इमेज डॉट एसेट, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट डॉट इमेज से मिल जाएगा हमें, जैसा कि हमने पहले यूज किया है। करते हैं रन, तो ये इमेज आ गया। इमेज अभी यहाँ पे ओवरफ्लो का प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक काम करते हैं, हम इमेज डॉट एसेट को हम रैप करते हैं विजेट से, और यहाँ पर हम यूज करते हैं एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड गलत हो रहा है स्पेलिंग ये, और ये एक्सपेंड करते हैं तो ये ठीक हो गया। ठीक है, अब हम एक काम और कर लेते हैं, इमेज में ना फिट लगा देते हैं, फिट और बॉक्स फिट, और फिट में आएगा बॉक्स फिट डॉट फिल ले लेते हैं। ठीक है, ओके डन। तो इमेज आ गई आपकी, इमेज आ गई और प्राइस आ गया। अब चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं सबके साथ। तो जैसे कि इस पे इमेज आ गई, प्राइस आ गया, यहाँ पर इमेज आ गई, प्राइस आ गया, और प्लस ये भी देखो आप, इसका कलर भी इसी इमेज के ही कलर का है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, इमेज एंड प्राइस। तो अब एक चीज और बचती है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि जैसे एक टैग होता है हीरो टैग, ठीक है, तो हीरो टैग क्या करता है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दिखाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। हीरो, और इसके अंदर टैग प्रॉपर्टी होती है, तो टैग यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डॉट आईडी, ये हमने टैग दे दिया हीरो को, और क्या करना है, ये इस इमेज को हमने टैग दिया। अब ये इमेज आ कहाँ से रहा है, यहाँ से आ रहा है क्लिक करने के बाद, यहाँ से क्लिक करने के बाद, तो हमें इस पे भी हीरो टैग लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अपने कार्ट पेज में चलेंगे, और कार्ट पेज में जहाँ पर सॉरी आइटम कार्ड में,
आइटम कार्ड में इमेज कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो इसको भी हम रैप करेंगे और इसको हीरो टैग से रिप्लेस करेंगे और इसके अंदर हम एक टैग प्रॉपर्टी पास करेंगे जो हमने वहाँ पास किया। तो हमने क्या पास किया? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करंट प्रोडक्ट है, इधर प्रोडक्ट नहीं है, करंट प्रोडक्ट डॉट आईडी। ठीक है, आप देखिए इससे होता क्या है, अब हमने यहाँ पास कर दिया और यहाँ पर पास कर दिया। अब देखिए, अब इस पर क्लिक कीजिए आप, ये ऐसा लग रहा है कि वो इमेज उठ के यहाँ पर आ रही है और ये इमेज उठ के यहाँ पर जा रही है, ये चीज़ ये हीरो टैग से होता है। ठीक है, ये देखो आप, यहाँ पर देखो आप, ये देखो ऐसा लग रहा है इमेज वहाँ से सेट हो रही है, ये इधर से सेट हुई फिर ये वापस यहाँ पर गई, इधर आई वापस यहाँ पर आ गई, इधर आई ये वापस यहाँ पर आ गई, इधर है ये वापस यहाँ पर आ गई। तो ये चीज़ हीरो टैग से होता है। हीरो टैग यूज कैसे करते हैं? जहाँ पे आप इमेज पे क्लिक कर रहे हो, जिस इमेज पे क्लिक कर रहे हो उस पर आप लगाओगे हीरो टैग। तो हमने कहाँ पर लगाया? हमने लगाया आइटम कार्ड में गए और यहाँ पर इमेज यूज हो रही थी, तो यहाँ पे हमने हीरो टैग लगाया, हीरो लगाया और टैग पास करना है। टैग यूनिक होना चाहिए और दोनों जगह सेम होना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ टैग रहेगा वही टैग वहाँ रहेगा और हर एलिमेंट का टैग यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मैं अभी हार्ड कोड यहाँ पर कर दूँ तो काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए भी वही रहेगा, इसके लिए भी वही रहेगा। बट इस केस में क्या है, सबकी आईडी अलग अलग है, तो सब सारे टैग अलग अलग हो रहे हैं और यहाँ पर भी हमने प्रोडक्ट डॉट आईडी ही लिया है ताकि मैच हो जाए। तो ये हीरो टैग लगा दिया है, इससे थोड़ा स्मूथनेस आती है और अच्छा लगता है देखने में। तो ये चीज़ हमारी हो गई, यहाँ पर टाइटल आ गया, प्राइस आ गया, इमेज आ गया, सबके साथ भी हमने देख लिया, सबका आ रहा है डेटा, सही है, एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या किया, इस वीडियो में हमने ये ऐप बार बनाया, ठीक है, ये टाइटल ऐड किया, ये प्राइस ऐड किया और ये इमेज ऐड किया। अगर मैं कोड में दिखाना चाहूँ आपको, तो कोड में अगर मैं चलूँ और ये हमारा प्रोडक्ट क्लास है जिसमें हमने ऐप बार बनाया, जिसमें हमने बैज यूज किया ये दिखाने के लिए, काउंटर यहाँ पर बैज यूज किया और ये पिक्चर्स यूज किए जो पिक्चर दिख रहे हैं आपके, एसवीजी से आ रहे हैं, और बॉडी में हमने प्रोडक्ट डिटेल्स बॉडी क्लास बनाई। प्रोडक्ट डिटेल्स बॉडी में हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, उसके अंदर हमने यहाँ पर आए हम लोग, एक हमने ये व्हाइट कलर का नीचे बॉटम में बनाया जिसमें हम और डिस्क्रिप्शन और बाकी सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं, उसका डिज़ाइन ये है। ये हमने स्टैक लिया, स्टैक में कंटेनर लिया, तो यहाँ कंटेनर में हमने उसको पूरा डिज़ाइन किया है। अभी के लिए तो कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें पैडिंग सेट किया है और कलर्स दिया है डेकोरेशन में, तो अभी इसको इतने पे ही छोड़ दिया है करके। और हमारा ये जो कि ऊपर आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, प्रोडक्ट डिटेल्स इमेज स्टाइल प्राइस से। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग टाइटल निकाल रहे हैं और टाइटल के बाद हमने एक रो लिया जिसमें इन दोनों को सेट करना है हमको, तो प्राइस हमने सेट कर दिया और नीचे इमेज को सेट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हमने आज की है। अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना मुझे वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये कैसे ये सब सेट करना है, कलर है, साइज है और डिस्क्रिप्शन है, प्लस ये जो प्लस माइनस करना है, क्वांटिटी है, लाइक है, कार्ट है, बाय नाउ है, देखेंगे कितना कवर कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में ये पार्ट आने वाला है और इसकी फंक्शनैलिटी फिर उसके बाद लेटर ऑन आने वाली है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हैं, आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए, ताकि इस वीडियो की जो भी अभी हम ये बना रहे हैं, डिज़ाइन बना रहे हैं, इसकी फंक्शनैलिटी भी हम लोग करने वाले हैं और गेटेक्स यूज करके करेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।